सब्सक्राइब टू रसोई हैक्स फॉर फटाफट रेसिपीज एंड किचन हैक्स एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एवरीवन, व्रत के टाइम हम जब भी कुछ मीठा बनाने की सोचते हैं तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम व्रत के टाइम नहीं खा सकते और सबसे ज़्यादा मन भी मीठा खाने का तभी करता है। तो मैं आज आपके साथ कोकोनट बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिंस ये होममेड है तो इसमें आप मीठा भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये 4 से 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। आइए अब हम नवरात्रा स्पेशल कोकोनट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने फ्रेश कोकोनट लिया है 1 कप, 1/2 कप हमने मिल्क मेड लिया है, ये ब्राउन पार्ट भी कोकोनट का ही है। कोकोनट को हमने सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में काट कर उसके वाइट पार्ट को अलग से ग्रेट कर लिया है, और जो ब्राउन पार्ट है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसे ग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें हमने 3 इलायची डालकर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। सबसे पहले हम पैन को मीडियम हीट पर गरम करकर उसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे, जिसे मिल्क मेड भी बोला जाता है, और इसको लगातार हिलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे पका लेंगे। इसे हम लो हीट पर ही रखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें हम ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे जब तक कि ये एकदम कलेक्ट होकर बाइंड ना हो जाए। अभी कोकोनट अपने थोड़े ऑयल्स भी छोड़ेगा और इसे आप लो हीट पर ही करेंगे और लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो इसको जलने का डर रहेगा। ये मिक्सचर एकदम बाइंड हो गया है और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मिक्सचर को हमने प्लेट में डालकर उसे इवनली स्प्रेड कर लिया है और इसे आप जो हमने कोकोनट के ब्राउन पार्ट का मिक्सचर बनाया था उससे हल्का हल्का इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसे ठंडा होने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कुछ ही मिनटों में कोकोनट बर्फी बनकर खाने के लिए रेडी है। आप इसे खाएं और इन्जॉय करें एंड हैप्पी नवरात्रास। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप और क्या देखना चाहेंगे।